अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट कंपेयर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सौरव गंगुली और राहुल द्रविड़ का टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में बैटिंग कंपैरिजन करेंगे। आपको जिस बल्लेबाज का बैटिंग रिकॉर्ड ज़्यादा पसंद आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सौरव गंगुली वर्सेज राहुल द्रविड़। पर्सनल इन्फॉर्मेशन: सौरव गंगुली 1972 को इंडिया में पैदा हुए, जबकि राहुल द्रविड़ 1973 को इंडिया में पैदा हुए। सौरव गंगुली की उम्र 48 साल और हाइट है 5 फीट 11 इंच, जबकि राहुल द्रविड़ की उम्र 48 साल और हाइट है 5 फीट 10 इंच। सौरव गंगुली लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और ओपनिंग पर बैटिंग करते थे, जबकि राहुल द्रविड़ राइट हैंड बैट्समैन थे और नंबर 3 पर बैटिंग करते थे। सौरव गंगुली का रोल बल्लेबाज का था, जबकि राहुल द्रविड़ का रोल भी बल्लेबाज का था। टेस्ट बैटिंग कंपैरिजन: सौरव गंगुली ने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, जबकि राहुल द्रविड़ ने भी 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। सौरव गंगुली ने टोटल 113 टेस्ट मैच खेले, जबकि राहुल द्रविड़ ने टोटल 164 टेस्ट मैच खेले। सौरव गंगुली ने 188 बारी खेलकर 7212 रन बनाए, जबकि राहुल द्रविड़ ने 286 बारी खेलकर 13288 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में सौरव गंगुली की बैटिंग एवरेज 42 और स्ट्राइक रेट 51 है, जबकि राहुल द्रविड़ की बैटिंग एवरेज 52 और स्ट्राइक रेट 42 है। टेस्ट क्रिकेट में सौरव गंगुली का बेहतरीन स्कोर 239 है, जबकि राहुल द्रविड़ का बेहतरीन स्कोर 270 है। टेस्ट क्रिकेट में सौरव गंगुली ने 16 सेंचुरियाँ और 35 फिफ्टियाँ बनाई, जबकि राहुल द्रविड़ ने 36 सेंचुरियाँ और 63 फिफ्टियाँ बनाई। सौरव गंगुली ने 900 चौके और 57 छक्के लगाए, जबकि राहुल द्रविड़ ने 1654 चौके और 21 छक्के लगाए। टेस्ट क्रिकेट में सौरव गंगुली 17 बार नॉट आउट, जबकि 13 बार जीरो पर आउट हुए। राहुल द्रविड़ 32 बार नॉट आउट, जबकि 8 बार जीरो पर आउट हुए। टेस्ट क्रिकेट में सौरव गंगुली ने 6 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, जबकि राहुल द्रविड़ ने 11 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। सौरव गंगुली की कैरियर बेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग नंबर 8 रही, जबकि राहुल द्रविड़ की कैरियर बेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग नंबर 1 रही। ओडीआई बैटिंग कंपैरिजन: सौरव गंगुली ने 1992 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया, जबकि राहुल द्रविड़ ने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। सौरव गंगुली ने टोटल 311 ओडीआई मैच खेले, जबकि राहुल द्रविड़ ने टोटल 344 ओडीआई मैच खेले। सौरव गंगुली ने 300 बारी खेलकर 11363 रन बनाए, जबकि राहुल द्रविड़ ने 318 बारी खेलकर 10889 रन बनाए। ओडीआई क्रिकेट में सौरव गंगुली की बैटिंग एवरेज 41 और स्ट्राइक रेट 73 है, जबकि राहुल द्रविड़ की बैटिंग एवरेज 39 और स्ट्राइक रेट 71 है। ओडीआई क्रिकेट में सौरव गंगुली का बेहतरीन स्कोर 183 है, जबकि राहुल द्रविड़ का बेहतरीन स्कोर 153 है। ओडीआई क्रिकेट में सौरव गंगुली ने 22 सेंचुरियाँ और 72 फिफ्टियाँ बनाई, जबकि राहुल द्रविड़ ने 12 सेंचुरियाँ 83 फिफ्टियाँ बनाई। सौरव गंगुली ने 1125 चौके और 190 छक्के लगाए, जबकि राहुल द्रविड़ ने 950 चौके और 42 छक्के लगाए। ओडीआई क्रिकेट में सौरव गंगुली 23 बार नॉट आउट, जबकि 16 बार जीरो पर आउट हुए। राहुल द्रविड़ 40 बार नॉट आउट, जबकि 13 बार जीरो पर आउट हुए। ओडीआई क्रिकेट में सौरव गंगुली ने 32 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, जबकि राहुल द्रविड़ ने 14 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। सौरव गंगुली की कैरियर बेस्ट आईसीसी ओडीआई रैंकिंग नंबर 2 रही, जबकि राहुल द्रविड़ की कैरियर बेस्ट आईसीसी ओडीआई रैंकिंग नंबर 5 रही। अब हम सौरव गंगुली और राहुल द्रविड़ का टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में ओवरऑल बैटिंग कंपैरिजन करेंगे। सौरव गंगुली ने 1992 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया, जबकि राहुल द्रविड़ ने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया। सौरव गंगुली ने टोटल 424 इंटरनेशनल मैच खेले, जबकि राहुल द्रविड़ ने टोटल 508 इंटरनेशनल मैच खेले। सौरव गंगुली ने 488 बारी खेलकर 18575 रन बनाए, जबकि राहुल द्रविड़ ने 604 बारी खेलकर 24170 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सौरव गंगुली की बैटिंग एवरेज 41 और स्ट्राइक रेट 63 है, जबकि राहुल द्रविड़ की बैटिंग एवरेज 45 और स्ट्राइक रेट 51 है।
सौरव गंगोली का बेहतरीन स्कोर 239 है, जबकि राहुल द्रविड़ का बेहतरीन स्कोर 270 है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सौरव गंगोली ने 38 सेंचुरियां 107 चुटकियां बनाई, जबकि राहुल द्रविड़ ने 48 सेंचुरियां 146 चुटकियां बनाई। सौरव गंगोली ने 2025 चौके और 247 छक्के लगाए, जबकि राहुल द्रविड़ ने 2604 चौके और 66 छक्के लगाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सौरव गंगोली 40 बार नॉट आउट जबकि 29 बार जीरो पर आउट हुए। राहुल द्रविड़ 72 बार नॉट आउट जबकि 21 बार जीरो पर आउट हुए। सौरव गंगोली ने 38 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया, जबकि राहुल द्रविड़ ने 25 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। कैप्टेंसी कंपैरिजन टेस्ट क्रिकेट में सौरव गंगोली ने 49 मैचेज में कप्तानी की, जबकि राहुल द्रविड़ ने 25 मैचेज में कप्तानी की। सौरव गंगोली ने 21 मैच जीते और 13 मैच हारे, जबकि राहुल द्रविड़ ने 8 मैच जीते और 6 मैच हारे। ओडीआई क्रिकेट में सौरव गंगोली ने 147 मैचेज में कप्तानी की, जबकि राहुल द्रविड़ ने 76 मैचेज में कप्तानी की। सौरव गंगोली ने 76 मैच जीते और 66 मैच हारे, जबकि राहुल द्रविड़ ने 42 मैच जीते और 23 मैच हारे। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।